हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने इंग्लैंड यानी यूके की वैकेंसी लेकर आऊँ। काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि सर सिंगापुर की आती रहती है, मलेशिया की, यूरोपियन, लेकिन आप यूके या इंग्लैंड की वैकेंसीज नहीं लेके आते। तो आज मैं आपके सामने होटल इंडस्ट्री की यूके की वैकेंसी, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरा बताने वाला। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और आप चाहते हो इंग्लैंड जाना या किसी और विदेश की कंट्री में जाते, ये चैनल बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजेंसीज के साथ वैकेंसीज की अपडेट देता रहा। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोज़ को जाके देखेंगे, सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया, पोलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हैं, ओमान, कतार, दुबई में, तो नर्सिंग की जॉब लेना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन की जॉब, जहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी आराम से मिल सकती है, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने मेरे चैनल की वीडियोज़ को जाके देखो, शेयर करो, ताकि आपको इससे अपडेट, अगर प्रेस द बेल आइकन जो होता है उसको दबा दें, ताकि अपडेट आपको फ्यूचर में भी आती रहे। आज की जो वैकेंसीज है वो यूके की वैकेंसीज है। तो यूके यार एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पर पैसा अच्छा है, वेदर अच्छा है। तो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, पहले बताए हेड शेफ बर्गर एंड कॉन्टिनेंटल आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, स्टीक शेफ, साउथ इंडियन शेफ, तमिल कुजीन, अरबिक शेफ, स्पेशलिटी शेफ, गुजराती एंड मारवाड़ी, तंदूरी, होटल सेल्स मैनेजर। IELTS की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट 6 के आसपास बैंड की जरूरत है। आप अपना देखो यार, मैं इसलिए कहता हूँ आपको इंटरव्यू जरूर देना पड़ेगा। जो एक कंसल्टेंसी है, वीरा कंसल्टेंसी जो मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी पुरानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, अगर आप इंटर्नशिप भी करना चाहते हो, J1 वीज़ा पर US में जाना चाहते हो, तो इस कंसल्टेंसी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ट्रिमेंडस जिसे बोलते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज इनके पास रहती हैं, अपॉर्चुनिटी। तो आप इनके साथ, अगर आप इंग्लैंड नहीं जाना चाहते और किसी कंट्री जाना चाहते हैं, तो भी आप इनसे अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लैंड की वैकेंसी जो निकली है उसमें आपको देता हूँ, आपको जो अपना रिज्यूम है, होटल मैनेजमेंट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, IELTS 6 बैंड होने चाहिए, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अपना रिज्यूम टू फिक्स योर इंटरव्यू CV@veerainternational.com, आप अपने सर्टिफिकेट और पासपोर्ट्स ना भेजें, अपना रिज्यूम ही भेजें, ताकि जब आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाए उसके बाद आगे की प्रोसेस, आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के लिए, आप जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होंगे, तो आप अपना व्हाट्सएप इन पर कॉल कर सकते हैं अपना फिक्स इंटरव्यू करने के लिए, 7664056782859193883। तो भाई देखो, मैं इसलिए अब जो रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छी है। और देखो मैं बात करता हूँ कि अगर आप विदेश जाके, अगर आप इंडिया में 15,000-20,000 कमा रहे हो, तो भाई आप विदेश जाके आराम से अपॉर्चुनिटी, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन रिक्वेस्ट है उस पैसे को बचाएं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, काफ़ी सारे वर्क पीपल देखे हैं, जो 1-1 लाख रुपये सैलरी देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उनको बचत जो होती है वो 20,000-25,000। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 1-2 लाख रुपये कमा रहे हो, तो आप 80,000 20% खर्च करो, 80% बचाने, 80 अगर 1 लाख कमा रहे हो, 80,000 बचाने की कोशिश करो। 10 साल तक आपने बचा लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ अच्छी ना हो जाए, तो मुझसे आके मिलना, मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।